इस्लाम निगम स्टूडेंट, मैं विद बुशरा, आपकी क्लास इस्लामिक की 5 क्लास की। हमारा सिलसिला COVID-19 की वजह से रुक गया था, अब हम अपना सिलसिला वहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा सिलसिला रुका था। फर्स्ट लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो मिस्बाह के मदीना पढ़ा था, अब हम अपना जो न्यू चैप्टर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ग़ज़वा बदर जी। तो ग़ज़वा फर्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास, ग़ज़वा और सरिया। ग़ज़वा की मीनिंग्स है जंग, ठीक है। अब हम आपको ये बताएंगे ग़ज़वा जी जी स्टूडेंट सॉरी के ग़ज़वा से मुराद वो जंग है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की, और सरिया से मुराद वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत नहीं की, किसी सहाबी को सरदार बनाकर उस जंग में भेजा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। ग़ज़वा बदर वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की थी, और बदर क्या, मैंने बताया कि बदर उस मकाम को कहते हैं जिस मकाम पे ये मार्का हुआ था, ये जंग हुई थी, वो एक मैदान थी, उस मैदान का नाम बदर था, ठीक है। वहाँ पे ये शख्स ये जंग हुई थी, इस ग़ज़वे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की, और इसलिए इसको ग़ज़वा बदर कहते हैं। नेक्स्ट है ग़ज़वा बदर का सबब, सबब क्यों पेश आया, वहाँ के ऐसा क्या हो गया था कि जंग का ऐलान हो गया और जंग शुरू हो गई। तो वहाँ के हालात ऐसे हो गए थे कि वहाँ लोग एक दूसरे पे, जो कुफार कुरैश थे, काफिर जो थे, वो मुसलमानों पे जुल्म करने लगे। जुल्म की इंतहा ये हो गई कि फिर मुसलमानों को वो जगह छोड़ कर मक्के से मदीने चले गए। जब मदीने में लोगों की तादाद बढ़ने लगी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म की इंतहा हो गई, उन पे बहुत जुल्म करना शुरू कर दिया, इंतहा से ज़्यादा करना शुरू किया, दिन ब दिन उनके असहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को, दोस्तों को तंग करना शुरू कर दिया, उन्हें तंग करना शुरू कर दिया, उन्हें तकलीफें पहुँचाना शुरू कर दिया। और ये हाल था कि मक्के में मुसलमान चले गए, उनकी लोग कम हो गए, मुसलमानों की कमी होने लगी और कम लोग रह गए। ये वहाँ के हालात को देखते हुए वहाँ पे बहुत ज़्यादा जब अफरा तफरी हो गई, उनकी मालों को लूट लेते थे, उनकी इज्जतों को लूटना शुरू कर देते हैं, कोई चीज़ एक दूसरे से महफूज नहीं थी काफिलों की वजह से। तो फिर ऐलान हुआ, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जंग का इजाज़त दे दी और जंग का ऐलान किया जी सर। तो जब जंग का ऐलान कर दिया, और फिर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को जब बताया कि जंग करना है, तो पता है आपको, उन लोगों ने फौरन उसी वक्त लबैक कहा हुज़ूर की बात पर कि हम जंग करने को तैयार हैं। मगर आपको पता है उनके पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, कोई साजो सामान नहीं था, उनके पास बहुत ही थोड़े से चीज़ थे, उनके पास सिर्फ 3 घोड़े और 70 ऊँट और कुल 313 मुसलमान जो जंग में जा रहे थे। और आपको पता है एक एक ऊँट पर कई कई अफराद जंग के लिए जाना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे उनके पास ज़्यादा नहीं थे, उनके पास ऊँट सिर्फ 70 थे, उसी के ज़रिए ये लोग जंग के लिए तैयार थे। अब आ जाए जंग का आगाज़। जब जंग का आगाज़ हुआ तो वह जुम्मे का दिन था, हिजरत का दूसरा साल था, रमज़ान का की 17 तारीख थी। जब मुसलमान और काफिर एक दूसरे के मध्य मुकाबले हुए, तो कुफार के पास माल साजो सामान बहुत ज़्यादा कुछ था, उनके पास लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए बहुत कुछ था, मगर आपको पता है कि मुसलमानों के पास इतना कुछ नहीं था। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहाँ के जंग के हालात देखे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फतह तो ना तो शानो शौकत से होती है, ना तादाद से होती है, और ना ही सामान से जंग होती है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सब्र इस्तकाम। क्या कहा कि आप, उन्होंने अपने सहाबा की हिम्मत बढ़ाने के लिए ने एक बात बताई कि आप ये ना सोचें कि उनके पास इतना कुछ है तो वो जीत जाएंगे, ठीक है। उन्होंने बताया कि आपके पास सबर इस्तकाम है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु जी तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, उन्होंने दुआ इस तरह से की कि ए अल्लाह, हमारे अल्लाह ताला ने, उन्होंने दुआ की कि ए अल्लाह, मैं तुझसे वादे की तकमील चाहता हूँ, अगर आज ये जमात हलाक हो गई, जमात कौन है, मुसलमानों की जमात, अगर ये हलाक हो गई तो फिर क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं था। जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब दुआ कर दी, तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी में ज़मीन से उठाया, वैसे जंग के मैदान से उन्होंने उठाया, और ये कुफ्फार की तरफ उन्होंने फेंका। आप यकीन करें कि वो सारी जो रेत थी उनकी आंखों में, सारे काफिलों की आंखों में और मुँह में चली गई। जिसके बाद जंग जब स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद ये हुआ कि तीनों, यानी कि फिर अच्छा एक और बात कि जंग में उनके कुफार की तरफ से जो लोग बड़े जो थे, सरदार जो शामिल थे जंग में, उनमें थे उतबा, शीबा और वली। मैदान
हैरान हो चुके थे, जबकि मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत उबैदा ने उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुकाबला शुरू किया और तीनों काफिर को मार दिया। ठीक है स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, फिर सहाबा इकराम की जान निसारी, सहाबा इकराम की जान निसारी यानी कि उस जंग में कितने जिस जिस सहाबा ने शहादत की और कितने लोगों ने वहाँ पे उसमें जंग में शिरकत की उनके बारे में ये बात कही गई है कि इनमें बहुत सारे लोग शामिल थे जिसमें से एक थे हज़रत उमैर, एक बहुत ही कमसीन मतलब बहुत ही कम उम्र सहाबी थे, वो बहादुरी से लड़े, लड़ते लड़ते शहीद हुए। हज़रत मास भी कमसीन थे, ये दोनों बहुत ही कमसीन थे। मगर अच्छा, उन्होंने ये बात सुनी भी थी कि अबू जहल जो थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे, तो मगर वो क्या करता था कि जब उसके वो जंग में जाता था उसके आगे इर्द गिर्द बहुत सारे उसके सिपाही थे। जब उनको ये बात पता चली कि अबू जहल मैदान जंग में आ गए तो उन लोगों से हज़रत मास और मौज रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे जंग लड़े और उनको मार दिया। फिर अबू जहल हज़रत इसी दौरान हज़रत मास का हाथ कट गया था, मगर फिर भी वो काफिलों से जंग लड़ते रहे। इसी दौरान इसी जंग में हज़रत अक्काशा रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी तलवार टूट गई, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के एक टहनी तोड़ के उनके हाथ में दी जो तलवार बन गई, या फिर उसी तलवार से वो जब उन्होंने जंग ली। तो क्लास ये बात समझ में आई, इस तरह से बहुत सारे सहाबी थे जो जंग में जिन्होंने शिरकत की। नेक्स्ट है हमारे पास मुसलमानों की फतह। जी, तो जंग बदर में क्या हुआ कि बहुत सारे बड़े बड़े सरदार थे जो मारे गए और कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद बहुत सारे सरदार मर भी गए, तो उसके बाद मुसलमानों की शानदार फतह नसीब। ठीक है सर, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास कैदियों से सलूक। आपको पता है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक तो सबके साथ कैसा भी रहा, तो सोचे इनके साथ भी कैसा रहा होगा, क्योंकि उनके साथ भी बहुत ही हमदर्दाना मोहब्बत नरमी प्यार का ही सलूक रहा। उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ नरमी का सलूक किया और कुछ को फदिया लेकर यानी पैसे लेकर यानी कि लेकर उनको आज़ाद कर दिया, और जो लोग फदिया नहीं दे सके उनको क्या किया कि वो मुसलमान बच्चे जो थे वो जगह पे जो थे मुसलमान उनको तालीम देने के काम पे मामूर कर ताकि वो उनको तालीम दे सके। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा यहीं पे क्लोज होता है, ये भी ख़त्म हो गया है। अब इस सबक से हमें क्या सबक मिला, इस सबक से हमारा हमें ये सबक मिला कि हमारा इरादा अगर पक्का हो और सच्चा हो और तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा और हमें क्या हुआ कामयाबी हासिल। ठीक है, तो हमारा ईमान अल्लाह पे होना चाहिए और ईमान के साथ साथ इरादा पक्का होना चाहिए तो हर काम आसान हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब इसकी आगे वाली बताते हैं। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 34 पे देखिए क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, गजवा किसे कहते हैं, इसका आंसर है। पेज नंबर 31 पे देखिए, गजवा से मुराद यहाँ से निशान लगाइए वो जंग है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, गजवे बदर का सबब तफसील से लिखें। पेज नंबर 31 पे देखिए, गजवे बदर का सबब, ठीक है ये हेडिंग नज़र आ रही है, इस पे देखिए आप, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर नज़र आएगा, इसका आंसर नज़र आएगा। सेकंड लाइन पे मक्के के काफिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन पे देखिए मुसलमानों को जंग की इजाज़त दे दी। यहाँ तक निशान लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। जी क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि गज़वे बदर के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ फरमाई, इसका आंसर। पेज नंबर 33 पे देखिए, हजूर की दुआ, यहाँ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर यहाँ से 1, 2, 3 करने वाला कोई ना होगा यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट, हजूर की दुआ वाली हेडिंग आ जाएगी, फिर इसकी 1, 2, 3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 को क्रॉस कर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसको आप अपनी कॉपी पर मत कीजिएगा, इसको बुक में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एक सवाल एक मैं सॉल्व कर देती हूँ। जब काफिर मुसलमानों को मदीने में तंग करने लगे तो अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने क्या हुक्म कर दिया था कि उन्होंने कहा था कि काफिरों से जंग करें।
ठीक है स्टूडेंट। बाकी आपने सारा खुद से करना है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। चैप्टर आप घर में रीड कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा और इसको पढ़िएगा, समझ में आया। फिर इसके आपको पता है कि आपने MCQs बनाए, अगर रीडिंग अच्छी करेंगे तो MCQs आपके खुद ब खुद ही बन जाएंगे अच्छे से। जी स्टूडेंट, सो इसकी अब आपकी डायरी है, मेन टाइटल आप पेज बनाना है, बहुत अच्छा सा टाइटल बनाइएगा, फिर इसकी क्वेश्चन आंसर राइट कीजिएगा। और आपको पता है हमेशा की तरह जिस तरह से आपने लास्ट चैप्टर्स भी किए हैं MCQs जरूर बनाइएगा। आपको पता है 10 MCQs आपने अपनी कॉपी में, क्वेश्चन आंसर के बाद आपने MCQs जरूर बनाना है, ये चेक होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये वर्किंग हमारी कम्प्लीट हो गई, ये चैप्टर हमारा वर्क कम्प्लीट हो चुका है। इसको बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ाई और स्टडी पे बहुत ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें, मास्क का इस्तेमाल मस्त करें। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।